सो लेट्स हैव अ लुक कि साइनोबैक्टीरिया में आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, व्हाट इज हैपनिंग इन देम, उनकी क्या स्पेशलिटी है, वो हम यहाँ पे समझते हैं. सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द आइडिया ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया. सो इन अ मैटर ऑफ मिनट्स यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके सो ये तो हम देख चुके हैं. वी हैव सीन थर्मोएसिडोफिल्स, वी हैव सीन द हैलोफिल्स देखा था, थर्मोएसिडोफिल्स देखा था, और इवन में मिथोजेनन्स देख लिया था. सबके कैरेक्टर हम देख चुके हैं, सबके अंदर क्या इंपॉर्टेंट ट्रेट्स आपको मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. अब हम आगे बढ़ते हैं और वी टॉक अबाउट यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पे आपके सारे ट्रू बैक्टीरियाज आएंगे, राइट. अब इनके कैरेक्टर्स तो आप ऑलरेडी आप देख चुके हो, मीजोजोम्स, क्रोमैटोफोर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी ट्रू बैक्टीरिया की आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो इसके अंदर हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना. हमें यहाँ पे समझना है इन टर्म्स ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया. सो यहाँ पे हम फोकस करते हैं हमारे एक ग्रुप की तरफ जो आपका यहाँ पे होगा साइनोबैक्टीरिया. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस साइनोबैक्टीरिया ओवर हियर. सो जब मैं बात करता हूँ साइनोबैक्टीरिया की तो आपके सामने एक टर्म आना चाहिए एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी ब्लू ग्रीन एल्गी. सबसे पहले आपके सामने ये टर्म आ सकता है आपके जहन में, दैट इज मेयर ब्लू ग्रीन एल्गे. ये साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे. जब ये बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किया गया था तब इनको लगा था कि ये एल्गे है क्योंकि उसका कलर ग्रीन था. सो दे थॉट इट इज अ एल्गे. बट जब आपने एडवांस स्टडीज किया तो आपको पता चला कि नहीं, ये एल्गे नहीं, ये तो बेसिकली बैक्टीरिया है. सो याद रखना, साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज योर ब्लू ग्रीन एल्गे. दे आर माय फोटोसिंथेटिक इन नेचर. बिल्कुल ये आपके होते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक. ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है कि आपके साइनोबैक्टीरिया हमेशा आप करेंगे फोटोसिंथेटिक. इनके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए पिगमेंट लाइक योर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, राइट. सो जो पिगमेंट आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं, जो हायर प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं, वही पिगमेंट आपको साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. सो फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, और इसके अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट आपको जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं देखने के लिए, वैसे ही पिगमेंट आपको इनके अंदर भी देखने के लिए मिल सकते हैं. सो लेट मी मेंशन हियर, दीज आर द सेम पिगमेंट्स यू आल्सो गेट टू सी इन द हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में भी आपको यही पिगमेंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. उसके बाद सो दैट इज वन थिंग यू विल सी. नाउ अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे इन साइनोबैक्टीरिया की, तो याद रखना कि कहा जाता है कि जब अर्थ बना था, जब प्लैनेट अर्थ एकदम बना ही था, तो वो टाइम पे तो आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था नहीं. लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम जब साइनोबैक्टीरिया आपके इवॉल्व हुए, या आई वुड से जब साइनोबैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस आया अर्थ के ऊपर, जब वो बने, तो वो टाइम पे साइनोबैक्टीरिया ने काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस के करने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आया. तो ये बहुत ही प्रीडोमिनेंटली माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आना चालू हुआ था, राइट. सो दे आर नोन टू रिलीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था आपके अर्थ के एवोल्यूशन के अंदर. देखिए, एक चीज याद रखिए आप, कि आपको अभी जो ऑक्सीजन मिल जाए वो इसलिए मिल जाए क्योंकि कुछ प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं. ये बात याद रखना कि फोटोसिंथेसिस करने के दौरान आपका ऑक्सीजन बनाया जाता है, और वही ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं, और वही हमारे लिए लाइवलीहुड है, राइट. सो फोटोसिंथेसिस गिव्स अस ऑक्सीजन. प्लांट को तो वो खाना मिल जाए, प्लांट तो CO2 ट्रैप करके खाना बना रहा है, बट यहाँ पे आपके साइनोबैक्टीरिया, आपके जो हायर प्लांट्स हैं, वो जो O2 रिलीज करते हैं उसे ही हम यूज करते हैं फॉर माई कंजप्शन, फॉर माई बेसिक ब्रीदिंग, फॉर माई रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. सो याद रखना, प्रिमेटिव अर्थ पे जो ऑक्सीजन आया था, ऑन प्रिमेटिव अर्थ पे ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ था वो इनके वजह से ही हुआ था,
on the planet, oxygen was there in the atmosphere. So oxygen in the atmosphere was because of this cyanobacteria. पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये टर्म देख के समझ जाना कि प्रिमिटिव अर्थ में जो आपको ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था, जो आपको मिला था अर्थ के ऊपर, वो इनके वजह से ही आपको मिला था. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. इसके बाद अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज अबाउट द क्रोमैटोफोर. ये बात आप जानते हो, यू हैव समथिंग लाइक माई क्रोमैटोफोर्स. सो क्रोमैटोफोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, और इन क्रोमैटोफोर्स के अंदर ही आपको मिलते देखने के लिए आपके क्लोरोफिल पिगमेंट. सो ये क्रोमैटोफोर्स ही आपके होते हैं जिनके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके क्लोरोफिल पिगमेंट. और इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स को यूज करके ही वो लोग करते हैं अपना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. इनको यूज करना है इन्होंने टू मेक देयर ओन फूड, राइट. हाँ, इतनी चीज याद रख लेना कि क्लोरोफिल पिगमेंट बनते कहाँ से है. इसका आंसर होगा दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. सो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बताऊं, तो समझो अगर ये मेरा साइनोबैक्टीरिया है, अज्यूम दैट दिस इज माय साइनोबैक्टीरिया, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसमें से ही एक्सटेंशन निकलता है. उसके अंदर से ही ऐसा कुछ आपको एक्सटेंशन निकलेगा एंड इट विल फॉर्म द क्रोमैटोफोर. सो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में से ही आपका क्रोमैटोफोर बनाया जाता है. तो याद रखना दिस इज माय क्रोमैटोफोर. और इसी क्रोमैटोफोर में आपको मिलेंगे आपके पिगमेंट्स, ठीक है. उसके अलावा बाकी सारी चीजें तो इसमें सेम रहती है. मीजोसोम भी होंगे, आपका जो डीए, आपका जो क्रोमोसोम वाला जो रीजन होगा यहाँ पे, दैट पर्टिकुलर एरिया, न्यूक्लियोइड, वो भी वहां पे होगा, राइट. इसके अलावा डीएनए आपका वैसा ही रहेगा, डबल स्टैंडर्ड एंड योर गोइंग टू बी सर्कुलर, तो वो चीज भी आपको मिलेगी देखने के लिए. तो बाकी के ट्रेड्स तो आपको यहाँ पे सिंपल वही मिलेंगे जो आपको बाकी सब में मिलते थे, तो यहाँ उसमें आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा. बट दो तीन चीजें एडिशनल होगी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सो यू विल हैव द क्रोमैटोफोर्स एंड इट विल हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट. तो इतनी चीजें पहले आपको इसमें याद रखनी, दैट आर सम ऑफ द की पॉइंट्स जो पहले आपको इसके अंदर याद रखने हैं. क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस 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 सर. अब आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं. जनरली साइनोबैक्टीरिया काफी ऐसे इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर वाला होता है, ऐसे रोप जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ वेरी लॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से आपको दिखेगा जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट. अब साइनोबैक्टीरिया के साथ होता क्या है ना, व्हाट डू गेट टू सी, कि बीच में आपको एक ऐसा एक बल्जिंग स्ट्रक्चर कहीं पे देखने के लिए मिल सकता है. बीच में एक थोड़ा सा आपको ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए. ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हेटेरोसाइट. हेटेरोसाइट, सो हेटेरोसाइट इज अ बल्जिंग स्ट्रक्चर जो आपको साइनोबैक्टीरिया में कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलेगा. सो यू हैव अ बल्जिंग कंपार्टमेंट, ऐसा समझो कि एक बड़ा सा कंपार्टमेंट होगा बीच में, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हेटेरोसाइट. हेटेरोसाइट क्या करता है हम बाद में देखेंगे, बट आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा एक साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है. उसके बाद एक और चीज आप नोटिस करना, साइनोबैक्टीरिया के आसपास आपको एक ऐसे स्लाइमी कवरिंग आपको मिलती है. इसके आसपास आपको एक स्लाइमी कवरिंग मिलेगी. सो साइनोबैक्टीरिया, याद रखना ये बैक्टीरिया है, तो इसको भी सेल वॉल होगा, ठीक है. इसके अंदर भी आपको सेल वॉल मिलेगा, ये बात भूलना मत. यहाँ पे बनाया नहीं है तो ऐसा मत सोचना कि नहीं होता इसके अंदर सेल वॉल. सेल वॉल इसके अंदर होगा. सो दिस मेक मी अलाउ मी टू मेक मी अ सेल वॉल, दिस विल ऑल्सो हैव द सेल वॉल. और आपको क्या लगता है इसका सेल वॉल किससे बना हुआ होगा? अरे इतना क्यों सोच रहे हो आप लोग, बताओ किससे बना होगा सेल वॉल? बैक्टीरिया है ये मेरा ट्रू बैक्टीरिया है, किससे बना होगा इसका सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन. बिल्कुल, इट इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन्स. और पेप्टिडोग्लाइकन्स में वो दो कौन सी चीजें थी जो आपकी एन से चालू होती है? एनएसटेल ग्लूकोसामाइन एंड एनएसटेल म्यूरामिक एसिड. तो ये चीजें अब आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है. तो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है, आपका यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है, और उसके आसपास आपको एक कवरिंग मिलती है, आपको एक स्लाइमी कवरिंग मिलती है. ये जो स्लाइमी कवरिंग आपकी होती है, ये कवरिंग आपकी होती है बनी हुई ऑफ योर म्यूकोपॉलीसेक्राइड, और इसको हम इवन कहते हैं एज अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग. यू कॉल्ड एज अ म्यूसिलेजिनियस
कवरिंग। सो एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग आपको मिलेगी आपके स्टेनोबैक्टेरिया के आसपास, याद रखना। उस म्यूसिलेजिनियस कवरिंग को अगर आपसे कोई पूछे कि यार बताओ मुझे कि ये जो कवरिंग है ये किससे बनी है, तो आपका आंसर होगा म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। यू विल से म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू कैन से, राइट। सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। या फिलहाल आप अगर इतना भी याद रखते हो कि यू विल हैव अ म्यूसिलेजियस कवरिंग, पहले आप इतना याद रख लो कि यू विल हैव अ म्यूसिलेजियस कवरिंग, दैट शुड बी इनफ फॉर यू राइट नाउ। इसको हम बाद में देखते हैं, विल सी दैट थिंग लेटर। सो याद रखना यू विल हैव अ म्यूसिलेजियस कवरिंग जो आपके आसपास आपको मिलेगी आपके साइनोबैक्टेरिया के अंदर। अब ये एक स्लाइमी कवरिंग होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा म्यूसिलेजियस कवरिंग की, राइट, या म्यूसिलेजियस लेयर का जो काफी स्लाइमी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कभी अगर आप भिंडी काटो, इफ यू कट डाउन द लेडी फिंगर, तो पता है उसके अंदर से वो एक स्लाइमी चीज, चिपचिपी चीज निकलती है। यस सर, देखा होगा, अगर काटी नहीं है तो कम से कम देखा होगा किसी को काटो है। सो दैट स्लाइमी थिंग इज माय म्यूसिलेजियस, राइट, दैट इज माय म्यूसिलेजियस कवरिंग, राइट, या म्यूसिलेजियस कोटिंग उसे हम कहते हैं। तो वैसा ही कोटिंग आपको ये साइनोबैक्टेरिया के आसपास भी उस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज फिलहाल याद रखो, इसको हम आगे एक बार फिर देखेंगे। इतनी चीज याद रखना कि आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद एक और चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि साइनोबैक्टेरिया जनरली तो पानी के अंदर ग्रो करते आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली जनरली दे आर गोइंग टू बी एक्वाटिक इन नेचर, यू कैन फाइंड देम बीइंग एक्वाटिक, दैट इज गोइंग टू बी जनरली। सो जनरली ये पानी के अंदर काफी हैपीली ग्रो कर जाते हैं, बट कई बार क्या होता है, यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन रूट्स ऑफ साइकस प्लांट। सो कई बार साइनोबैक्टेरिया रूट्स में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कुछ प्लांट्स के। सो समटाइम दे कैन बी सीन इन द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट। तो साइकस प्लांट के रूट्स में भी आपको देखने के लिए कई बार मिल जाते हैं वो, एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड दे शो द सिम्बायोसिस। आपको बस ये टर्म को समझना है कि सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है। फ्यूचर में इसको हम थोड़ा बहुत डिटेल में समझेंगे, इसका एक जनरल आइडिया आप ले लो। जब भी मैं टर्म यूज करूँ सिम्बायोसिस, तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे दो स्पीशीज आपकी इंटरेक्ट कर रही है, दो स्पीशीज या दो एनिमल आपके यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जब वो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को फायदा हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं यहाँ पे सिम्बायोसिस, राइट। सिम्बायोसिस वो रिलेशन होता है जिसमें दो एनिमल्स इंटरेक्ट करते हैं या दो स्पीशीज आपके इंटरेक्ट करती है, और इन दोनों के इंटरेक्शन से दोनों को फायदा हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके गट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको देखने के मिलते हैं, यू गेट टू सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज। और ये बैक्टीरिया हमें फायदा कैसे पहुंचाते हैं, दे मेक अस विटामिन B12। ये हमारे गट के अंदर रहते हैं और हमें विटामिन B12 बना के देते हैं। बैक्टीरिया को क्या फायदा मिल रहा है, बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ सामान मिल जाता है। जब आपका खाना पास हो रहा था वहां से, तो थोड़ा बहुत खाना वो खुद भी कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसमें से वो अपनी एनर्जी बना लेते हैं, राइट, और उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। सो याद रखना सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही है, और जब दोनों इंटरेक्ट यहाँ पे कर रही होती है तो आपको मिलेगा कि दोनों को वहां पे फायदा होगा। अगर दोनों को फायदा हो रहा है देन यू कॉल इट एज अ सिम्बायोसिस, राइट। तो याद रखना जब आपका साइनोबैक्टीरिया साइकस के प्लांट में आपको मिलेगा तो साइकस के प्लांट को भी फायदा हो रहा होता है और साइनोबैक्टीरिया को भी यहाँ पे फायदा हो रहा होता है। क्या फायदा होता है वो हम बाद में देखते हैं, बट इतना फिलहाल याद रखना, ठीक है। सो क्या ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है, आर दिस प्लांट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली आपके किंगडम मुनेरा में आपका आएगा, दे आर कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे। अब इन पॉइंट्स को मैं फटाफट रन करूंगा, ठीक है। द नेम साइनोबैक्टीरिया वाज सजेस्टेड बाय ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये भी होता है कि अगर आप बैक्टीरिया डिस्कवर कर लो तो आपको इनसे परमिशन लेनी होती है नेमिंग करने के लिए, या मैं कहूंगा इनकी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है नेमिंग करने के लिए, ICNB। ओके, साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस O2 ऑन आवर अर्थ। हमारे अर्थ पे O2 इनके वजह से ही आया था। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, हाउएवर दे आर आल्सो फाउंड एज अ सिम्बायोंट विद सम प्लांट्स लाइक साइकस। कुछ प्लांट जैसे साइकस के अंदर आपको ये लोग एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हुए आपको दिख जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द साइकस प्लांट।
तो ये है आपका साइनोबैक्टीरिया, और आपको यहाँ पे हिट्रोसाइट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, हिट्रोसिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन ऑल्सो सी द म्यूसिलेजिनियस शीथ की भी कवरिंग आपको यहाँ पे दिख रही है. सो बोथ द थिंग्स यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर. अगर आप माइक्रोस्कोप वाला पिक्चर अगर आप देखते हो ना, जो आपका राइट हैंड साइड के अंदर है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे हिट्रोसिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा. इवन उसके अंदर भी आपको हिट्रोसिस्ट काफी क्लियरली आपको दिखता है. इट्स अ वेरी बिग स्ट्रक्चर ओवर हियर विच कैन बी सीन. ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे समझते हैं. एक चीज हम यहाँ पे समझेंगे कि यार ये आपका हिट्रोसिस्ट करता क्या है. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका हिट्रोसिस्ट करेगा क्या. तो जब मैं बात करता हूं मेरे हिट्रोसिस्ट की, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि ये जो आपका कंपार्टमेंट है, इसका एक स्पेसिफिक काम होता है, और इसका स्पेसिफिक काम है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन. दिस इज नोन फॉर माय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये होता है इसका काम. अब इस टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे. आप मुझे ये बताइए, आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है? 21%. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. 21% आपके एटमॉस्फेयर के अंदर होता है आपके यहाँ पे ऑक्सीजन, राइट. उसी तरीके से आपका CO2 जो होता है वो कितना होता है? CO2 में चलो मैं बता देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी योर 0.03%, इतना होता है आपका CO2, राइट. ऑक्सीजन आपका रहता है यहाँ पे 21%, CO2 आपका काफी कम रहता है यहाँ पे. एंड अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो आप 70% विल बी योर नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन विल बी लाइक 70% इन द एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है. तो बेसिकली नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, बट आप उसे यूज नहीं कर सकते, आप उसे डायरेक्टली उसे यूज नहीं कर सकते. सो बेसिकली जब आपने हैंड भी अगर आप वेव कर रहे हो, तो शायद आप नाइट्रोजन को टच कर रहे हो, बट आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, बट आप उसे यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली. एंड नाइट्रोजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सेल, आपके सेल का, आपके टिश्यू का, आपके ऑर्गन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये नाइट्रोजन आपके बॉडी में आएगा कैसे. तो आप ये बात समझिए, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ योर N2. अब यहाँ पे जो आपके साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली आपके यहाँ पे क्या करेंगे, इस N2 को वो लोग कन्वर्ट करते हैं, दे फिक्स द नाइट्रोजन. मैंने क्या बोला उन्हें यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया के पास हिट्रोसाइट्स है एंड इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो अगर मेरा साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे कर रहा है, तो आपको मिलेगा देखने के लिए दैट नाइट्रोजन इज ब्रॉट इन टू योर फॉर्म ऑफ योर NO2, NO3 और NH4 आयंस. इस फॉर्म में आप नाइट्रोजन को लेके आते हो, सो दैट मीन्स नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड योर अमोनियम आयंस. सो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को आप लेके आते हो. एक बार फिर याद रखना, आपका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है N2 फॉर्म के अंदर. जब आप इसको फिक्स करते हो, जब आपका साइनोबैक्टीरिया इसको फिक्स करता है, तो क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम आयंस. अब ये सारा आपका आ जाता है सॉइल के अंदर. नाउ दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द सॉइल. ये आपको मिलेगा आप सॉइल के अंदर, ये आपका सारा का सारा कहाँ आ गया, ये आपका सॉइल के अंदर आ गया. अब जैसे ही आपका ये सब सॉइल के अंदर आ जाता है, अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन को आपके प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अभी तक तो इसे प्लांट्स भी यूज नहीं कर सकते थे, बट नाउ व्हाट विल हैपन, योर प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन. सो अब प्लांट्स इसको करेंगे एब्जॉर्ब, और ये प्लांट्स इन्हें करेंगे एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द रूट सिस्टम. याद रखना, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब नहीं करते, वो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं. सो प्लांट्स इसको करेंगे एब्जॉर्ब. तो अब मेरा नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में था, अब वो प्लांट के बॉडी के अंदर आ गया. अब एक बार जैसे वो मेरे प्लांट के बॉडी के अंदर आ गया, तब वो यहां से जा सकता है एनिमल बॉडी के अंदर. यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, फ्रॉम द प्लांट दिस नाइट्रोजन कैन गेट इनसाइड द एनिमल बॉडी, क्योंकि एनिमल्स आके से कंज्यूम करेंगे. सो बेसिकली फ्रॉम हियर दिस नाइट्रोजन कैन गेट इनसाइड द एनिमल बॉडी. तो आप ये चीज समझो, जब तक आपके बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर रहे थे, तब तक ये हमारे फूड चेन में आ ही नहीं रहा था, तब तक ये हमारे फूड चेन के अंदर आता ही नहीं है, राइट. ना ही एनिमल उसे डायरेक्टली यूज कर सकता है, ना ही कोई प्लांट उसे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से यूज कर सकता है.
नाइट्रोजन को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये काम आपके बैक्टीरियाज करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा साइनोबैक्टीरिया कर रहा है, बट साइनोबैक्टीरिया के अलावा यू हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ऐसा समझो एटमोस्फेरिक फॉर्म में से उसे सॉइल में लेके आना। एक बार वो सॉइल में आ गया, देन वो आपके फूड चेन में आ जाएगा। और एक बार वो फूड चेन में आपका आ गया, देन यू नो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट इज अ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ योर बॉडी। बिना नाइट्रोजन के यू डोंट फाइंड कि प्रोटीन बन सकते हैं, ना ही अमीनो एसिड बन सकते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल नाइट्रोजन, आपका भी और प्लांट का भी। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। सो इतना बताओ, क्या इतना साइकिल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर नहीं आ रहा बता दो, मैंने रिपीट कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बोलो, दिस इज कॉल्ड एज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको बोलते हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन। और क्योंकि हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक बार प्लीज आप दोबारा एक्सप्लेन करा दोगे? हाँ, तो देखो बेटे, ये बेसिकली है क्या ना यहाँ पे कि आपका नाइट्रोजन यहाँ पे है इन अ फॉर्म ऑफ N2 एटमॉस्फेयर के अंदर। अभी हम उसे हाथ लगा सकते हैं राइट, बट हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो इसको करा क्या जाता है, इसको एटमॉस्फेयर में से हम लोग लेके आते हैं सॉइल के अंदर। हम लोग नहीं लेके आते, इसको लेके आते आपका यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो N2 है उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू NO2, NO3 एंड NH4 आयन। दैट मींस नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन्स। ये जो फॉर्म है ये आपको मिलते हैं सॉइल के अंदर। सो N2 जब कन्वर्ट होता है इन सब के अंदर विद द हेल्प ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया, तो ये सब आ गया सॉइल के अंदर। सो दे आर ऑल इन द सॉइल। सो नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम आयन्स ये आपको सॉइल में मिल जाएंगे। और ये जो आपके तीन कंपोनेंट है, लाइक ये तीन आपके जो फॉर्म है नाइट्रोजन के, एक बार ये सॉइल में आ गए, उसके बाद क्या होगा, इनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्लांट्स इसको हैपिली से एब्जॉर्ब करेंगे वाया रूट्स। और एक बार प्लांट्स के बॉडी में ये आ गया नाइट्रोजन, फिर वहां से वो एनिमल की बॉडी में भी आ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करते हैं राइट। सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन कम्स इन द फूड साइकिल। इस तरीके से नाइट्रोजन आपके फूड साइकिल के अंदर आता है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि इस तरीके से आपका नाइट्रोजन फिक्स किया जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया फिक्स कर रहा है, इसके अलावा और भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ये फिक्स करते हैं और हम उन पर डिपेंड करते हैं। आप एक बात कभी नोटिस करना, शायद आप में से काफी लोगों ने फार्मिंग करते हुए देखी होगी, या कुछ लोग शायद फार्मिंग देखते होंगे रिलेटिव्स, या लाइक दे मस्ट बी डूइंग दैट। सो यू नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि जब आप फार्मिंग करते हो, या आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आप फर्टिलाइजर यूज करते हो। यस सर। आप फर्टिलाइजर, तो कभी आप नोटिस करना फर्टिलाइजर के अंदर होता क्या है। फर्टिलाइजर में होता है आपका नाइट्रेट, फर्टिलाइजर में आपका नाइट्रेट होता है और फर्टिलाइजर में आपका होता है फॉस्फेट। कभी आप नोटिस करना। सो फर्टिलाइजर आर नोन टू हैव नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। बेसिकली बेटा ये बहुत नाइट्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए राइट। और उससे आपका प्लांट रैपिडली ग्रो कर पाता है। दिस इज वॉट यू गेट टू सी इन द फर्टिलाइजर्स। सो याद रखना नाइट्रोजन इज सुपर इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का सॉइल में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब ये चीज आप समझो यहाँ पे, क्विकली अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली। सी आपका यहाँ पे जब आपका बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, वो कहाँ करेगा, साइनोबैक्टीरिया कहाँ करेगा, इन द हिटरोसाइट्स। तो उसने क्या किया हुआ है, उसने एक अलग सा कंपार्टमेंट बनाकर रखा हुआ है जिसके अंदर वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और उस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिटरोसाइट। अब समझो उसने उसके अंदर फिक्स कर लिया। आप बोलोगे कि सर ये सॉइल में कैसे आएगा, तो एक बात समझो, अगर मेरे बैक्टीरिया सॉइल के अंदर है और जब वो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, तो आप ये बात भी जानते हो कि बैक्टीरिया की डेथ भी होगी। बैक्टीरिया जितना जल्दी ग्रो करता है उतनी जल्दी उसकी डेथ भी हो जाती है। तो अगर मेरे साइनोबैक्टीरिया सॉइल में हैं, वो ग्रो भी कर रहे हैं, उनकी डेथ भी हो रही है। जब उनकी डेथ होगी तो जो भी नाइट्रोजन उनके अंदर है वो सॉइल में आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड सॉइल विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ योर नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन्स। सो आपके साइनोबैक्टीरिया अगर सॉइल में रहते हैं, तो याद रखना आपके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट काफी अच्छा मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो अगर आपसे कोई पूछे कि यार साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो कहां पर रहा है, देन आपका आंसर होगा हिटरोसाइट। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली में क्या होता है। दैट इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। सो क्या ये पूरा साइकिल और हिटरोसाइट का रोल सबको यहाँ पे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Great. Yes, sir. Right. This is something you have to remember.
क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं ये आपको मालूम है, ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, इट्स अ मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म और इसके अंदर आपको मिलेंगे पिगमेंट। पिगमेंट्स आर लाइक ना क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट वो भी होता है, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ कैरोटेनॉइड्स, तो ये पिगमेंट्स आपको मिलते हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गे आर सराउंडेड बाय माय म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन, राइट, द एनवेलप इज मेड अप ऑफ माय म्यूकोपॉलीसेक्राइड। सो यस, मैंने म्यूकोपॉलीसेक्राइड की जगह म्यूकोपॉलीपेप्टाइड लिखा था, बट याद रखना इट इज योर म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो जिससे बना होता है मेरा ये म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन, सो इट इज मेड अप ऑफ योर म्यूकोपॉलीसेक्राइड। और ये सेम चीज इवन आपको मिलती है देखने के लिए, इवन आपका भिंडी का जो स्लाइमी कंटेंट आपको मिलेगा, इट इज ऑल्सो माई मेड अप ऑफ योर म्यूकोपॉलीसेक्राइड, राइट। हाँ, एक चीज ऐड रखना एडिशनली कि जब आपका ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना बनाता है, जो फूड वो स्टोर करके रखता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सैनोफियन स्टार्च। आपके जो प्लांट्स बना के स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टार्च, उसको हम स्टार्च बोलेंगे, बट जब आपका ब्लू ग्रीन एल्गी बनाता है आपका फूड तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैनोफियन स्टार्च। सो सैनोफियन स्टार्च के फॉर्म में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे खाना बनाएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग इट विल बी स्टोरिंग, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये हम देख चुके हैं हिट्रोसिट्स सिस्ट क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, इसे हमें रिपीट नहीं करना, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। हाँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्लीज आप भूलना मत, दो एग्जाम्पल, एक आपका नॉस्टॉक और एक आपका एनेबेना, ये दो आपके प्लीज एग्जाम्पल याद रखना ऑफ माई ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टेरिया के एग्जाम्पल। साइनोबैक्टेरिया के एग्जाम्पल आप ये दो याद रखेंगे, नॉस्टॉक एंड एनेबेना, ये दो एग्जाम्पल आप याद रखते हैं, और भी एग्जाम्पल होते हैं, फिलहाल आप ये दो एग्जाम्पल याद रखना, दिस आर द टू एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। यहाँ पे आपका साइनोबैक्टेरिया आपको समझ आ जाना चाहिए, दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक। बैक्टीरिया आपके हिटरोट्रॉपिक होते हैं, ये भी आप बात जानते हो, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और दे कैन शो द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, राइट। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर साइकस में आपका प्लांट मिल जाता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइकस में अगर साइनोबैक्टेरिया मिल जाए तो उसे फायदा क्या हो रहा है, देखो अगर वो साइकस के रूट्स में ग्रो कर रहा है तो साइकस को फायदा ये होता है कि साइकस को मिलता है रेडीमेड नाइट्रोजन। आप ये बात समझो, अगर वो साइकस के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है और साइकस को रेडीमेड नाइट्रोजन मिल जाता है उससे, डायरेक्ट साइकस वहां से उसके पास से नाइट्रोजन ले लेगा, राइट। और साइकस उसे थोड़ा बहुत खाना प्रोवाइड कर देता है, साइकस कैन प्रोवाइड अ शेल्टर एंड अ फूड टू द साइनोबैक्टीरिया, सो दैट इज अ सिम्बायोसिस यू गेट टू सी इन द साइकस एंड द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, साइकस उसे रहने की जगह और थोड़ा बहुत खाना उसके साथ वो शेयर कर देगा, तो इसे हम कहते हैं कि दोनों को यहाँ पे हो रहा है फायदा, सो दैट इज माय सिम्बायोसिस विद देम, राइट। तो दिस शुड बी क्लियर टू यू, इसको कोई ज्यादा मुझे लाइक वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको बैक्टीरिया कई सारे फॉर्म में मिल जाएंगे और जनरली जो आपको बैक्टीरिया मिलेंगे दे आर ऑलवेज इन माय हिटरोट्रॉपिक फॉर्म। हाँ जी बेटा, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अपना पूछ सकता है डायरेक्टली अनम्यूट करके, यू डोंट हैव टू वेट, अपना अनम्यूट करके आप सवाल पूछ लो। अब फटाफट हम लोग बात करते हैं हमारे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। सो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन आपका होता है कुछ तरीके से, एक होता है आपका यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन, so one is going to be your binary fission, एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे genetic recombination, the other one is my genetic recombination, और तीसरी चीज आपकी जो यहाँ पे होती है वो आपका यहाँ पे रहेगा something like your spore formation, endospore formation। so आपको endospore formation ज्यादा detail में आपको समझना नहीं है, ये कभी भी आपको exam में नहीं आएगा, हम बस फटाफट यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन को देख लेते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी अगेन, ये जो रिप्रोडक्शन के जो तरीके होते हैं ना, इनको यूजुअली डिटेल में आपको नहीं आएगा और इस चैप्टर में से आपको तो आपको नहीं आएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप एक बार फिर 12th में आप पढ़ोगे अलग से, सो वो थोड़ा जानना जरूरी होता है, यहाँ पे आपको बस उसे सुपरफिशियली याद रखना है, राइट। सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस पिक्चर एंड अंडरस्टैंड देम। याद रखना सबसे कॉमन जो आपका होता है वो आपका होता है बाइनरी फ्यूजन, सबसे कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू रिप्रोड्यूस, इट इज द कॉमन वे टू रिप्रोड्यूस। और याद रखना हर 20 मिनट में आपका बाइनरी फ्यूजन होगा, हर 20 मिनट के बाद आपका बैक्टीरिया एक नया बैक्टीरिया बना के देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका एक घंटे में या दो घंटे में कितने बैक्टीरिया आपके हो जाते हैं, यू कांट इवन इमेजिन दैट। नाउ लेट्स सी,
बायोफिलियन में क्या होता है, लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर विद द पिक्चर, दैट विल बी मच मोर इजियर. समझो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है, अज्यूम दैट यू हैव अ बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके पास यहाँ पे डीएनए है. तो जब ये डिसाइड करता है कि यार मुझे तो डिवाइड करना है, मुझे एक और बैक्टीरिया बनाना है, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट टू सी कि आपको एक यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन मिलेगा सबसे पहले. अच्छा, उसके पहले बैक्टीरिया अपना डीएनए को डिवाइड कराएगा. सो बैक्टीरिया अपने डीएनए को कराएगा डिवाइड या रेप्लिकेट कराएगा. सो नाउ यू विल हैव टू डीएनएज ओवर हियर. अभी एक ही था, अब आपके दो हो गए. क्यों दो हो गए? क्योंकि आप एक बैक्टीरिया में से एक और बैक्टीरिया बनाने वाले हो. अगर आपको एक और बैक्टीरिया बनाना है, देन एक और डीएनए होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू मोर बैक्टीरियास फॉर्म, नॉट डायरेक्टली, लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बना दिया दो बैक्टीरिया. यू विल से कि सर जल्दी जल्दी में बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन कि आपको यहाँ पे एक सेप्टा फॉर्मेशन मिलेगा. यहाँ पे आपको एक ऐसे ग्रुप फॉर्मेशन आपको मिलता है. सो ये जो आपका बैक्टीरिया है उसके अंदर आपको एक ग्रूव फॉर्मेशन आपको मिलेगा. सो यू गेट टू हैव सच ग्रूव फॉर्मेशन. ये जो आपको यहाँ पे ग्रूव आपको दिख रहा है उसको हम बेसिकली बोलते हैं सेप्टा फॉर्मेशन. तो बेसिकली बैक्टीरिया एक और बैक्टीरिया बना रहा है, और ये जो आपको यहाँ पे डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस डिप्रेशन हेयर इज कॉल्ड एज माई सेप्टा फॉर्मेशन. ये जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ सेप्टा फॉर्मेशन, ठीक है. अब ये डिप्रेशन आपका और बीच में जाएगा, ये जो चालू है आपका और बीच में जाएगा, और कुछ ही टाइम के अंदर अगर आप आके देखोगे, आप आके देखते हो यहाँ पे, देन फाइंड इट विल बिकम लाइक इट विल हैव द टू बैक्टीरियाज. आपको दो बैक्टीरियाज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. आप समझो आपने बैक्टीरिया को आप रख के चले गए कॉफी पीने के लिए, आप 20 मिनट आके देखोगे आपके पास दो बैक्टीरिया होंगे, आप एक घंटे बाद आकोगे आपके पास सैकड़ों बैक्टीरिया होंगे, आप 6 घंटे बाद आके देखोगे आपके पास देखने के लिए कुछ ज्यादा रहेगा नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया होगा वहां पे. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर. सो बैक्टीरिया अंडरगोज अ बाइनरी फ्यूजन, जिसमें याद रखना कि आपके दो डीएनए आप पहले यहाँ पे बनाते हो, राइट. आपकी डीएनए को आप करते हो रेप्लिकेट. सो पहली चीज यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद आपका होगा सेप्टा फॉर्मेशन, मतलब आपके जो वॉल होगी वो इनवेजिनेट करना चालू करेगी, वो आपका बीच में मूव करना चालू करेगी. एंड देन यू विल हैव टू बैक्टीरियाज विल बी फॉर्म. तो आपको यहाँ पे डॉटर बैक्टीरिया आपका यहाँ पे बन चुका है. सो नाउ यू हैव अ डॉटर बैक्टीरिया विच इज बीन फॉर्म्ड. और प्लीज याद रखना ये सब करने में आपके लग जाते हैं कितना टाइम लगेगा ये सब करने में, 20 मिनट्स. ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए लग जाते हैं 24 घंटे, इनको लगते हैं 20 मिनट. सो कम टाइम में इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. तो तुम ये भी सोच सकते हो कि सर इन दैट केस तो हमें बैक्टीरिया वैसे ही दिख जाना चाहिए सॉइल के अंदर, अगर इतना जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहा है तो ऐसी हर जगह आपको मतलब बैक्टीरिया का प्रेजेंस आपको दिखना चाहिए. कोई बता सकता है ऐसा क्यों नहीं होता, अगर हर 20 मिनट बाद ये लोग डिवाइड करते हैं, सो यू शुड सी बैक्टीरिया ऑल द टाइम, मतलब सॉइल से ज्यादा आपको बैक्टीरिया दिखना चाहिए. सो ऐसा क्यों नहीं होता, कोई सोच के बता सकता है व्हाई डस दैट नॉट हैपन? बैक्टीरिया डाई भी होते हैं, चलो ये बात आपकी सही है, ठीक है. सो बैक्टीरिया की डेथ भी होती है, और बिल्कुल आपकी बात यहाँ पे सही है. और एक और चीज क्या होती है कि आपके सॉइल में रिसोर्सेस तो आपके लिमिटेड ही होते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए, वो कंज्यूम करने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए, वो आपके रहते हैं लिमिटेड. सो क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हमेशा नेचर के अंदर, तो आपको अनलिमिटेड ग्रोथ आपको नहीं मिलती. आफ्टर सम टाइम दे विल डाई एज वेल, सो दे विल इवेंचुअली एंड अप डाइंग. और क्योंकि उनकी डेथ होती रहती है, सो बनते भी है वो, उनकी डेथ भी उतनी रैपिडली होती है, बिल्कुल सही. सो दैट इज व्हाई यू डोंट फाइंड देम ऑल द टाइम ग्रोइंग, ठीक है. सो दैट इज योर बाइनरी फ्यूजन. ये आप अपने से एक बार अलग से जाके आप ये पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे आपकी लिखी हुई है. दैट इज समथिंग यू विल सी ओवर हियर, ठीक है. सो यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी, और ये आपका यहाँ पे हो गया पिक्चर, राइट. नाउ After that, you have a genetic recombination. अब इसको भी हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं. इसके अंदर क्या होगा कि आपका बैक्टीरिया, समझो आपका यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, assume that यहाँ पे एक आपका बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया के अंदर है आपका यहाँ पे डीएनए, राइट.
और कहीं दूर एक और बैक्टीरिया है आपका, यहाँ पे यू हैव वन मोर बैक्टीरिया ओवर हियर, इसके पास भी इसका डीएनए है, दोनों हैप्पीली अपनी जिंदगी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, राइट। समझे इस बैक्टीरिया की होगी डेथ, समझे इस बैक्टीरिया की होगी यहाँ पे डेथ, ये हो गया आपका यहाँ पे इसकी डेथ होगी, और डेथ होने के बाद इसका डीएनए यहाँ पे बाहर आ गया, लेट्स अज्यूम कि इसका डीएनए आपका बाहर आ गया डेथ होने के बाद। सो बैक्टीरिया में क्या होता है ना, बैक्टीरिया में पोटेंशियल होता है कि किसी दूसरे का डीएनए वो अपने अंदर ले सकता है। सो अज्यूम दैट दैट इज अ डीएनए फ्रेगमेंट, अज्यूम दैट दिस इज अ डीएनए फ्रेगमेंट आपका है जो आपका इसमें से बाहर आ गया, और ये डीएनए फ्रेगमेंट आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही ये मेरा डीएनए फ्रेगमेंट आगे बढ़ते बढ़ते हुए इस बैक्टीरिया के पास में आता है, ये वाला बैक्टीरिया इस डीएनए को अंदर ले सकता है। दिस बैक्टीरिया कैन टेक अप दिस डीएनए इनसाइड, तो ये जो आपका डीएनए है इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया इस डीएनए को अंदर ले सकता है, और अंदर लेने के बाद वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस डीएनए को अपनी डीएनए के साथ मिक्स कर देगा। सो ये जो बाहर का जो डीएनए था ये आपके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हो जाएगा मिक्स, तो समझो आधा ग्रीन है आधा येल्लो है ये, दैट इज वॉट नाउ हैपन्स। तो अगर ये आपको होते हुए मिलता है, दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग इन माई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को लाइक एंगल करेगा, आई वुडंट से एंगल करेगा, वो आपको इनटेक करेगा एंड आफ्टर दैट उसको अपने डीएनए के अंदर उसे वो लगा देगा, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये काफी तरीके से हो सकता है, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बैक्टीरिया आसपास कई सारे बैक्टीरिया, एक की डेथ हो गई, डेथ हुआ डीएनए बाहर आ गया और वो डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया ने ले लिया, एक तो ये तरीका आपका हो सकता है। एक तरीका ये होता है कि दोनों बैक्टीरिया सही में पास में आते हैं और डीएनए एक्सचेंज करते हैं, ये भी कई बार होता है, टू बैक्टीरिया कम टूगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे और डीएनए एक्सचेंज करेंगे, कई बार ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही तरीके को हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। So that is something should be clear to you. So इसमें इतना रखना कि एक बैक्टीरिया से डीएनए आपका आएगा और दूसरा बैक्टीरिया उसे एक्सेप्ट करेगा और उसे अपने डीएनए के अंदर लगा देगा, एंड दैट इज नोन एज माई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, शुड बी क्लियर टू यू। क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? तो इसको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। And then you have something like your endospore formation. Endospore again, इसको आपको again बता रहा हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा time spend नहीं करना है आपको. You just have to know one thing कि आपके पास क्या होता है कि आपका जो bacteria है, assume that you have a bacteria. अब अगर ये bacteria के आसपास condition favorable नहीं है या condition harsh है, assume that कि आसपास का environment हो गया यहाँ पे harsh. So assume that you have a harsh environment. तो अगर आपका environment यहाँ पे harsh होता है या अनफेवरेबल होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्चर नहीं है, सनलाइट ज्यादा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये कुछ स्पोर्स बनाएगा। सो योर बैक्टीरिया विल मेक अ स्पोर। सो बेसिकली जब एक बैक्टीरिया यहाँ पे स्पोर बनाता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोस्पोर। सो इट विल मेक अ स्पोर ओवर हियर एंड दैट स्पोर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एंडोस्पोर। अब ये एंडोस्पोर के साथ होगा क्या कि एंडोस्पोर को वो रिलीज कर देगा बाहर, ये एक एंडोस्पोर बनाएगा, राइट। याद रखना एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ओनली वन एंडोस्पोर इज फॉर्मड इन द बैक्टीरिया। अब समझो उसने ये एंडोस्पोर बना लिया, अब इसको ये बाहर कर देगा रिलीज, सो इट विल बी रिलीज आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये एंडोस्पोर जैसी आपकी कंडीशन फेवरेबल होती है, समझो आपका एनवायरमेंट में चीजें ठीक हो गई, बारिश आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई, धूप कम है, सो वो टाइम पे आपका एंडोस्पोर जर्मिनेट करेगा एंड विल गिव राइज टू अ न्यू बैक्टीरिया, विल गिव राइज टू अ न्यू बैक्टीरिया। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और इस तरीके से भी बैक्टीरिया अपना रिप्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे मैं डीएनए अलग से बना देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि वो डीएनए है, वो डीएनए नहीं है, वो एंडोस्पोर है, ठीक है। सो दैट इज वॉट यू गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर। सो दैट इज माई एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जितना सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इतना सिंपल ये प्रोसेस नहीं होता, ये काफी लाइक इसमें भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, बट इस लेवल पे आप उसे नहीं समझते, एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप उसे नहीं समझते, राइट। हाँ, अगर आप इफ यू गो फॉर योर कॉलेज एंड इफ यू स्टडी देम इन द फील्ड ऑफ लाइक बेसिकली अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लेते हो तो
तो उस लाइक उस कोर्स के अंदर आप इन सब चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझते हो, राइट? सो याद रखना, दीज आर द थ्री वेज थ्रू विच योर बैक्टीरिया इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस. सो दीज आर द थ्री वेज यू हैव टू नो. बाइनरी फ्यूजन जो सबसे सिंपल होता है, 20 मिनट लगते हैं, फटाफट आप कर सकते हो, सबसे कॉमन भी है. देन यू हैव जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड देन यू हैव एंडोस्पोर फॉर्मेशन. तो इतने आपको टर्म्स यहाँ पे याद रखने हैं. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे माइकोप्लाज्म की. सो माइकोप्लाज्म इज गोइंग टू बी योर अगेन अ प्रोकैरियोट. ये भी आपका एक प्रोकैरियोट ही है. सो अभी तक हम जब प्रोकैरियोट्स की बात करते थे तो हम बोलते थे बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अलावा एक और आपको प्रोकैरियोट यहाँ पे याद रखना है, दैट इज माई माइकोप्लाज्म. इसके बारे में सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो मैं चाहूंगा आप याद रखेंगे. पहली चीज, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता. इट विल हैव नो सेल वॉल. दिस विल हैव नो सेल वॉल, सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, माइकोप्लाज्म कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो मोस्टली कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो मोस्टली कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती सर्वाइव करने के लिए. मेजोरिटी ऑफ द माइकोप्लाज्म डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. उनको उसकी जरूरत नहीं होती सर्वाइव करने के लिए. वो लोग काफी हैप्पीली ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर भी. दैट्स वन थिंग. थर्ड थिंग आप याद रखना, दे आर गोइंग टू बी पैथोजेनिक. ये आपके पैथोजेनिक होते हैं, ये आपका डिजीज कॉज कर सकते हैं. सो ये तीन चीजें मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखें. तीन इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें यहाँ पे कि माइक्रोप्लाज्म, और भी चीजें होती है लेकिन वो सारी सप्लीमेंट्री चीजें हैं. ये मेन चीज आप पहले याद रखो कि माइक्रोप्लाज्म एक आपके यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. या मैं कह सकता हूँ इट्स अ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट. ठीक है, दिस माइक्रोप्लाज्म बेसिकली गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट वी विल गेट टू सी. इट इज बेसिकली गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट. और इसके कैरेक्टर आप याद रखेंगे यहाँ पे. सेल वॉल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी. ये लोग काफी हैप्पीली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं और ये लोग डिजीज कॉज करते हैं. ये तीन पॉइंट याद रखना इन टर्म्स ऑफ माइकोप्लाज्म. बड़े ही सिंपल पॉइंट है, ये ज्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. एंड इट इज माई स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्रोकैरियोट होता है जिसमें सेल वॉल आपको नहीं मिलती, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा माइकोप्लाज्म, राइट? And they can survive in the absence of oxygen. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. हम इसके पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं. Mycoplasm are unicellular, smallest prokaryotic organism. Their diameter varies from 0.1 mm to 0.3 mm. ये इनका रहेगा इनका diameter. Cell wall आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, हम लोग जानते हैं. Most species of mycoplasm can survive without oxygen. ये बात भी हम लोग जानते हैं. Many mycoplasm are going to be pathogenic in plants and animals. ये animals और plants के अंदर disease cause कर सकते हैं, बिल्कुल. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. Mycoplasm के सिर्फ तीन ही पॉइंट हैं, यही आपको याद रखने हैं along with their size. क्या ये क्लियर है आप सबको यहाँ पे? Is this clear to all of you? Yes, sir. इन सब चीजों को लेके कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन रखने जैसी चीज ही नहीं है. ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. तो यहाँ पे आपका बेसिकली प्रोकैरियोट्स आपका खत्म होता है. बेसिकली आपका यहाँ पे पूरा मोनेरा जिसमें हमने आर्किबैक्टीरिया समझ लिया, ये साइनोबैक्टीरिया समझ लिया, दैट इज समथिंग वी हैव कंप्लीटेड. अब फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं. अब आप लोग मुझे यहाँ पे मैच करके बताओ, तो जल्दी जल्दी मैच करना, अनम्यूट करके आंसर करो ताकि जल्दी आंसर मिले और हम लोग आगे बढ़ सके. हेलो फिल्स को हम किसके साथ मैच करेंगे? ए यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा? हेलो फिल्स वाला किसके साथ मैच करेगा? बिल्कुल. अब तो 6 बजने आ गए हैं, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइक वेरी मच आउट ऑफ योर स्लीप. सो इट इज माय सॉल्ट एरिया. थर्मोस्फेरोफिल्स किसके साथ मैच होगा यहाँ इनका? मिथेनोजेंस मैच कहाँ पे आएगा इनका? तो क्या लगता है कौन सा आंसर यहाँ पे बनेगा आपका एबीसीडी में? बहुत बढ़िया, राइट, दैट इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अपना 30 सेकंड लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर दिस. इसमें सही आंसर क्या आएगा? बाकी तीन ऑप्शन में से कौन है आपका साइनोबैक्टीरिया, बताइए?
नॉस्टॉक के अंदर आपका सारा बैक्टीरिया। ये जो नॉस्टॉक आपके सामने एग्जांपल लिया हुआ है, इसके अंदर एक कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट के अंदर आप करते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसका नाम क्या होता है? बोलो बोलो, ये सब लोग बोलिए, काफी दो तीन आंसर आ रहे हैं लेकिन बाकी लोग भी आंसर देंगे। व्हाट विल द आंसर जो भी आप बोलो, दैट इज गोइंग टू बी द कंपार्टमेंट जहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए ध्यान से और फटाफट आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, आर्किबैक्टीरिया होगा इसके अंदर आंसर। अब इन बाकी तीन ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए म्यूसिलेजिनियस कवरिंग? स्पेसिफिकली साइनोबैक्टीरिया उसके अंदर आपको मिलेगी आपकी म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, राइट? हर एक यूबैक्टीरिया में नहीं होता ना, इट्स अ बिग ग्रुप, बट साइनोबैक्टीरिया जो आपका ग्रुप होता है उसके अंदर आपको, उसके आसपास आपको म्यूसिलेजिनियस की कवरिंग आपको देख लिया मिल जाती है। सो ये आपका होगा उसके अंदर आंसर, जो बनी होती है मेरी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, इट इज मेड ऑफ योर म्यूकोपॉलीसेकेराइड। चलिए ये आपने कर दिया, ये वाला ध्यान से करना, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स कब होता है वो थोड़ा सोचोगे तो आंसर दे सकते हो, इतना डिफिकल्ट है नहीं है। प्रियर टू फ्यूजन, राइट, दैट्स अ राइट आंसर। आई थिंक हर्षिता वाज द वन ना हु सपोज हु गिव द आंसर, यस दैट्स अ राइट आंसर, prior to your fission. So prior to your fission is going to be the right answer. देखो एक चीज समझो यहाँ पे, आपका DNA replication आपका fission होने के पहले होता है, जब बैक्टीरिया, समझो आपका बैक्टीरिया यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि यार अब मुझे डिवाइड करके एक और बैक्टीरिया बनाना है, तो पहले वो क्या करेगा, इट विल अंडरटेक द DNA replication और अपने DNA का नंबर वो डबल करेगा, सो हम बोलेंगे वहां पे एज अ प्रायर टू फ्यूजन। तो आपके दो DNA आपके यहाँ पे बन जाते हैं, यू गेट टू हैव टू DNAs getting formed over here. And now what you get to see कि अब ये आपका जो बैक्टीरिया होगा ये डिवाइड करेगा, and now it will form a one more bacteria. So याद रखना, DNA replication in bacteria occurs prior to fission. It happens your prior to fission. So that is something you have to remember. ठीक है, ये nucleus के अंदर नहीं होता, just before transcription ये नहीं होता, ये भी आपकी बात सही नहीं है, during SPS नहीं होता, it is going to be happening prior to your fission. So this is something you have to know. Now after that, देखिए ध्यान से और आंसर करिए, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ना नहीं है, आप खुद क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। राइट, ऑप्शन ए काउ डंग के अंदर आपको मिल जाए देखने के लिए, आपके काउ डंग की अगर बात कर रहा है ना कोई इस चैप्टर के अंदर, तो मिथिनोजेंस ही आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए, दैट हैज टू बी मिथिनोजेंस। सो यस, बायोग्लास आर बीन फॉर्मड इन द मिथिनोजेंस, राइट, इन द यू विल बी सीन विद इन द काउ डंग। ओके, देन हाँ ये ध्यान से करना, क्या आंसर होगा इसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, फाइनल आंसर बताइए, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यस, यू विल हैव द सेल मेम्ब्रेन ओवर हियर, सेल शेप नहीं आएगा, राइट, इट विल बी माय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन देखो, सेल शेप दिया हुआ है, सेल शेप नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल वॉल होता तो फिर वो गलत हो जाता, सेल वॉल कैसे दो चीजें वो देते नहीं आपको, बट यस इट इज गोइंग टू बी योर सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी अलग होती है। आई थिंक काफी बार बता चुका हूँ आपको ये बात, मैं सेल मेम्ब्रेन आर्किबैक्टीरिया में कैसी होती है, हाउ द सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी देयर इन द आर्किबैक्टीरिया, ब्रांच लिपिड, बोल दिया करो बेटा सामने से ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े, यस इट विल बी माय ब्रांच लिपिड। ठीक है, Now, इसका आंसर दीजिए फटाफट, 18 का आंसर, अगेन आई वोंट बी रीडिंग दिस, आंसर दिस क्विकली। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी क्रोमैटोफोर, बिल्कुल सही, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइनोबैक्टीरिया, जिसमें पिगमेंट आपको मिलेगा, दैट इज योर क्रोमैटोफोर, आपके क्रोमैटोफोर के अंदर ही आपको पिगमेंट देखने के लिए मिलता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। So yeah, that's it. These are the questions you can see. और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए, उसमें से एक दो क्वेश्चन तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, राइट? सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आपका मुनेरा खत्म होता है, एंड वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद प्रोटिस्टा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, दैट्स वन थिंग।
अब जो भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, अपना टाइम निकालिए एंड प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस. वंस यू आर एबल टू सॉल्व देम, अगर आपसे सॉल्व हो रहे देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बेसिकली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं. इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सारे आपके जो नीट के क्वेश्चन थे वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनको करने में आपको पूरा एक मिनट भी स्पेंड नहीं करना. यू जस्ट हैव टू डू देम, आप OMR पे उसे मार्क करो और आप आगे बढ़ो. राइट, दैट इज, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू. ठीक है, तो ये तो हमें आने ही चाहिए. उसके अलावा वी विल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि नीट में वो भी आपके काफी बार पूछे जाते हैं. सो वी विल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ देम एज वेल. बट फिलहाल जो आपके सामने मैंने असाइनमेंट शेयर किया है,